नमस्कार। चक्कर आना, सिर चकराना, सिर घूमना, सर दर्द करना, ये लक्षण लेके काफ़ी लोग हमारे पास में आते रहते हैं। उनको बोला जाता है कि नहीं नहीं आपको बहुत कमजोरी है, या फिर आपका बीपी कम हुआ है, कोई चिंता मत करो। मगर कभी कभी ये लोग गिर भी जाते हैं। होता क्या है कि आदमी काफ़ी समय तक लेटा हुआ है और वो एकदम अचानक उठ के बैठ जाता है और खड़ा हो जाता है और चक्कर आ रहे हैं, पूरा ये घूम रहा है आजू बाजू का, अंधेरा हो रहा है। तो सबसे बड़ा कारण ये है पोस्चरल हाइपोटेंशन, मतलब उसका पोस्चर बदल गया। लेटा हुआ था, बैठा खड़ा हो गया तो उसका जो पोस्चर है वो बदल गया, तो उसका ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो जाता है। तो ऐसे लोगों में आराम से उठना है और बैठना है कुछ सेकंड के लिए, फिर उसको एडजस्ट हो जाना है, फिर आराम से खड़े रहना है एक ही जगह पे, वहाँ एडजस्ट होना है और फिर चलना चालू करना है, नहीं तो ये आदमी गिर जाएगा। तो एक तो ये पोस्चरल हाइपोटेंशन है, या फिर इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि भाई सिर क्यों चकरा रहा है, चक्कर क्यों आ रही है, अंधेरा क्यों आ रहा है। एक तो कान का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हो सकता है, ब्रेन का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हो सकता है, फिर तनाव और चिंता है उसके कारण होता है, एनीमिया, खून की कमी, B12 डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी कम होना, प्रतिकार शक्ति कम होना, माइग्रेन का अटैक आना। तो ये काफ़ी सारी बीमारियाँ उसके पीछे है कि जिसके कारण ये एकदम चक्कर आना, अंधेरा आना ऐसा होता है। ये लोगों ने यदि सिगरेट पी रहे तो तुरंत सिगरेट बंद करना चाहिए, स्मोकिंग बंद करना चाहिए, शराब तुरंत बंद करना चाहिए, और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। हाँ, BP देख लो, ब्लड प्रेशर, ECG निकाल लो, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है क्या, EEG निकाल लो, ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम है क्या, CT स्कैन कर लो, और ये सब रिपोर्ट्स यदि नॉर्मल है तो फिर हो सकता है कि ये तनाव के कारण से हो सकता है। बहुत लंबे समय तक तनाव है, चिंता है, थकान आ गई है, तो फिर उनको चक्कर आती है। बहुत सारे लोगों को जब ऐसा कुछ हो जाता है कि अचानक ऐसा कुछ तो भी दिमाग के ऊपर आघात हो गया, एकदम कुछ भी जोड़ बैठ गया, ऐसी अचानक घटना कुछ हो गई, तो उनको चक्कर आना चालू हो जाता है, गिर जाते हैं। तो फिर उसको मतलब सभी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, सभी जांच पड़ताल नॉर्मल है, तो फिर ऐसे समय उनको हम देते हैं एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, मतलब एंग्जियोलाइटिक्स देते हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग देते हैं, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से भी होता है ये। और कुछ कुछ औरतें जो है उनको जो ऐसा होता है चक्कर आना, सिर घूमना, तो उनको ये सोमेटिक लक्षण है और उसका कोई कारण नहीं है, मतलब साइकोलॉजिकल है। उनको सुनना, लिसन करना, उनका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो बाहर आने देना, काउंसिलिंग करना, साइकोथेरेपी करना, उससे उनका प्रॉब्लम छूट जाता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि ऐसी जब औरत मेरे पास में आती है कि चक्कर आते हैं, गर्दन में दर्द हो रहा है, यहाँ शोल्डर्स में दर्द है, ये पूरा घूमता है, तो सब नॉर्मल है रिपोर्ट्स, और सिर्फ मैं उनको सुन लेता हूँ, काउंसिलिंग करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि आपको इतने साल से आप परेशान हैं, मतलब शादी हो के कितने साल हो गए, बोले हाँ 15 साल हो गए शादी हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, अभी करने लायक घर में कुछ नहीं है, काम ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर सोचते रहती है और फिर कुछ तो भी सिम्टम चालू हो जाते हैं। तो वेंटिलेशन होना इमोशंस का वो जरूरी है। डिप्रेशन आया तो एंटी डिप्रेशन का इलाज करो, यदि कोई जांच पड़ताल में कुछ मिल नहीं रहा है तो एंटी डिप्रेशन से इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो ये चक्कर आने के कारण और इलाज है। एंटी डिप्रेशन बहुत फायदेमंद होते हैं इनमें। और यदि कान का प्रॉब्लम है तो कान की जाँच कर लेना है और फिर कान का इलाज कर सकते हैं। यदि वर्टिगो है तो डेफिनेटली फिर उसका इलाज कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अब आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।